और आइए अब चर्चा चौरा हमें आपको दिखाते हैं कि स्वदेश लौटने पर टीम इंडिया पर किस तरह से फैंस ने लुटाया प्यार। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का दिल्ली और मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुंबई में मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली गई। वहां टीम इंडिया के रंग बिरंगी स्पेशल बस पर पूरी भारतीय टीम सवार थी। इस बस के पास क्रिकेट प्रशंसक खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक जुटे। इस ऐतिहासिक जीत पर मिले बड़े सम्मान पर खिलाड़ियों ने कहा कि वो ताउम्र इस पल को भूल नहीं पाएंगे। मुंबई से पहले दिल्ली में टीम इंडिया सुबह प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पहुंची, जहां उसके खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस टूर्नामेंट में उनके अनुभवों को सुना। साथ ही पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की उपलब्धि और प्रदर्शन पर उनकी जमकर तारीफ भी की। इस मौके पर वहां कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोच राहुल द्रविड़, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह समेत सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं खिलाड़ियों ने भी इस हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने पर बीसीसीआई ने प्रधानमंत्री मोदी को भी स्पेशल गिफ्ट दिया। दरअसल उन्हें नमो नाम की एक टीम इंडिया की टी शर्ट भी भेंट की गई। इस जर्सी का नंबर 1 था। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने उन्हें ये टी शर्ट दी। टीम इंडिया ने जब एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखा तो वहां भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं होटल में भी भारतीय खिलाड़ी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और दूसरे खिलाड़ियों ने वहां डांस किया। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में टीम इंडिया के स्वागत में स्पेशल केक भी तैयार किया गया। इस केक की खास बात ये रही कि इसमें ट्रॉफी की झलक थी, जो देखने में असली जैसी लग रही थी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी है। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। आज और कल यानी कि सिर्फ 2 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा पुलों ने जल समाधि ले ली है, जिसकी वजह से कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया और आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। ये हाल तब है जब बिहार में बारिश की ठीक से शुरुआत तक नहीं हुई। यही वजह है कि लगातार गिर रहे पुलों के कारण नीतीश सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पुल का शिलान्यास सर 2003 में हुआ था, उसके बाद ये 2004 में इसका उद्घाटन हुआ था और 2024 में यह पुल गिर गया नीचे। सर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है सर, धांधली है सर, इसमें इसकी जांच होना चाहिए। देखिए ये जो पीछे पुल बना है यहाँ के स्थानीय लोग बनवाए हुए हैं, ये 150 साल पुराना पुल है। अंग्रेजों के जमाने के यहाँ के स्थानीय लोग बनवाए हैं अपने पैसों से बनवाए हुए हैं स्थानीय लोग। ये पुल खड़ा है लेकिन देखिए ये पूरा नया पुल गिर चुका है। 15 मिनट में ही पुल ध्वस्त हो गया, एक भी सरिया नहीं है पुल में। बिहार में पुलों का धड़ाधड़ गिरना अब खुदकुशी से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महज 17 दिनों में 12 पुल गिरकर जमींदोज हो गए। 18 जून को 12 करोड़ की लागत से बना अररिया का पुल गिर गया। 22 जून को सिवान में पुल गिरा जो करीब 40 साल पुराना था। 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा, ये 1.5 करोड़ की लागत से बना था। 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, इसकी लागत तकरीबन 25 लाख थी। 28 जून को मधुबनी में 3 करोड़ की लागत से बना पुल ध्वस्त हो गया। वहीं 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में बना बांस का पुल बागमती नदी की तेज धार में बह गया। 3 जुलाई को तो एक ही दिन में 5 पुल गिरे और फिर 4 जुलाई को सुबह सुबह सारण जिले में एक और पुल टूटकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिहार में इन दिनों ऐसा लगता है कि पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। गनीमत यह है कि कोई पुल पुलिया जैसे ही गिरने की कगार पर पहुंचता है, स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हो जा रही है और कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। बिहार में क्या नए, क्या पुराने या क्या निर्माणाधीन पुल,
एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले 17 दिनों में 12 पुल जमींदोज हो गए। यानी बिहार में जब से मॉनसून की बारिश शुरू हुई है तभी से पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला चल पड़ा है। कई जिलों में तो दो दो तीन तीन पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून को अररिया से शुरू हुआ था। वहीं 3 जुलाई को 24 घंटों में सिवान और सारण में पानी के तेज बहाव से 5 पुल ध्वस्त हो गए। एक तरफ जहां सिवान में 3 पुल ध्वस्त हो गए तो वहीं छपरा में 2 पुलों ने जल समाधि ले ली। सिवान में पुल टूटने की पहली घटना महाराजगंज के देवरिया गांव में घटी, जहां गंडक नदी पर बने पुल का एक पिलर धंस गया और पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि ये पुल तकरीबन 40 साल पुराना था। 27 जून को बिहार के किशनगंज में भी कंकाई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया और 28 जून को मधुबनी जिले में भी एक पुल टूट गया था। 3 जुलाई को तो हद ही हो गई। सारण और सिवान जिलों में एक दिन में 5 पुल ढह गए। इसमें एक पुल ब्रिटिश काल का भी है। पुलों के ढहने की वजह पानी का तेज बहाव बताया जा रहा है, लेकिन इसी तेज बहाव में काफी पहले के बने पुल सही सलामत हैं। इस पुल के ध्वस्त होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। पानी में पैसा बह रहा है और इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हुए हैं सारण जिले के जनता बाजार इलाके में और ये ताजा एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, यहाँ देखिए कल की ही घटना है, गंडकी नदी पर स्थित ये एक छोटा पुल था और आज इस पुल की हालत क्या है। कल ही ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया। बताया जाता है कि गंडकी नदी में कल पानी आया, पहले ये नदी सूखा हुआ था, लेकिन जैसे ही पानी यहाँ आया कल पहली बार तो 15-20 मिनट के अंदर ही ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया। और हालत यह है कि पिछले 17 दिनों में एक दर्जन पुल पुलिया जो है वो टूट चुके हैं। बिहार भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। राज्य का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06% है। बिहार में पुल गिरने की लगातार हो रही घटनाएं ज्यादा विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन दांव पर है। बीते 10 से 15 सालों में बिहार में पुल बहुत बने हैं, लेकिन उनके रखरखाव की नीतियों में खामी रह गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पुल में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहला एक्सपेंशन जॉइंट, जिसकी बार बार सफाई होनी चाहिए, और दूसरा बेयरिंग, जिसकी उम्र 10 साल होती है और कायदे से इसे 10 साल बाद बदलना या रिपेयर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। वहीं मॉनसून आने से पहले पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन है। इसके अलावा पुल गिरने की वजह भ्रष्टाचार और इंजीनियर्स में अनुभव की कमी भी है। फिलहाल बिहार में पुलों के ढहने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य के सभी पुलों का हाई लेवल ऑडिट होना चाहिए। रिवर जो है वहाँ अपना कोर्स बदलती रहती है, आज इधर से जा रही है, कल को थोड़ा उधर से जा रही है, तो मेरे को ये लग रहा है कि वो जो फेलियर हो रहे हैं वो पहले रिवर का एम्बैंकमेंट कटता है और उसका फर्स्ट पिलर जो है उसकी फाउंडेशन कट जाती है और उसके कटने से पिलर जो है, जिसको हम कॉलम बोलें, पिलर बोलें या वेल फाउंडेशन होनी चाहिए, वैसे तो वेल टिल्ट नहीं होता है, पर ये अजीबोगरीब है कि वो टिल्ट हो रहा है और उसको टिल्ट होने से ब्रिज सडनली गिर रहे हैं, जिससे लगता है कि एकदम फेलियर होता है। अगर ये खाली क्वालिटी से होता तो एकदम नहीं गिरना चाहिए था। बिहार में लगातार गिरते पुलों को देखकर जहन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दिल्ली में मौजूद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ब्रिज इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर डिवीजन की टीम ने पुलों के गिरने पर एक स्टडी की है। उन्होंने अपने स्टडी में पाया कि भारत में 80% से ज्यादा पुल प्राकृतिक हादसों की वजह से गिरते हैं। इसमें बाढ़, भूकंप और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। भारत में बाढ़ की वजह से ही करीब 52% पुल गिरते हैं और इसका एक बड़ा कारण सीमा से ज्यादा बालू का खनन है, जिससे पुल की जड़ें कमजोर हो जाती हैं।
स्टडी के मुताबिक भारत में ब्रिज के फेल होने की दूसरी बड़ी वजह निर्माण में इस्तेमाल होने वाला खराब सामान है। इसकी वजह से 10% से ज्यादा पुल समय से पहले गिर जाते हैं, जबकि डिजाइन और निर्माण की विसंगतियों की वजह से करीब 4.13% ब्रिज गिरते हैं। आंकड़ा हैरान करने वाला है, बिहार में एक ही महीने में इतने पुल क्यों गिर गए? बिहार में ही पुल इतने कमजोर क्यों हैं? कुछ निर्माणाधीन पुल गिरे, कुछ हाल ही में बनाए गए थे, कुछ इतने पुराने कि अंग्रेजों के जमाने के। बिहार में इसके पहले भी पुल गिरे हैं, निर्माणाधीन पुल भी गिरा है। जांच कमेटियां बनी, कुछ इंजीनियर और अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, लेकिन नतीजा सिफर। यानी बिहार में जिस तरह से लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। लिहाजा भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमंत सोरेन ने फिर संभाली झारखंड की कमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वो तीसरी बार सीएम बने हैं। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सोरेन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, ऐसे में बुधवार को चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली के जीटीवी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लेबर चौक पर कुछ मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल वहां कुछ लोगों के साथ जमीन पर बैठे नजर आए। वहीं राहुल ने वहां मजदूरों के साथ कुछ काम भी किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने मजदूरों से उनकी समस्याएं भी पूछी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले दिनों आडवाणी का एम्स अस्पताल में भी इलाज हुआ था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अग्निवीर योजना को लेकर सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। जब इस योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, तो दो दिन बाद एक राहुल ने एक अग्निवीर के परिवार का वीडियो साझा किया और कहा कि सरकार शहीदों को अग्निवीरों को मुआवजा नहीं देती। इस आरोप के बाद सेना ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि सभी शहीद अग्निवीरों को मुआवजा राशि दी जा रही है। हालांकि इस मामले पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी संसद में बयान दे चुके हैं, लेकिन राहुल के इस पोस्ट के बाद अब इस मामले में सियासत ने और जोर पकड़ लिया है। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते। शहीदों की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है, तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को पहुंचाया जाएगा। अग्निवीर को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्म होती जा रही है। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही मोदी सरकार पर अग्निवीर को लेकर बड़ा हमला बोला। राहुल के आरोपों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए राहुल को झूठा बताया। उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता की। लेकिन अब राहुल के नए दावे से अग्निवीर को लेकर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। एक दिन पहले लोकसभा में नेता विपक्ष ने पंजाब के अग्निवीर अजय कुमार की कुर्बानी का जिक्र किया। उनके पिता का वो दर्द भी सुनाया जिसमें वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। राहुल गांधी ने अजय कुमार के पिता के बयान का वो हिस्सा भी सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि केंद्र से उन्हें अब तक मदद नहीं मिली है। युवराज ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को
भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा सदन दे बैठा कर बुधवार को राहुल ने दिवंगत अग्निवीर अजय के परिजनों से मुलाकात के बाद ये वीडियो जारी किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से माफी की मांग की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। राहुल के बयान के बाद भारतीय सेना ने सफाई दी। भारतीय सेना के एडीजी पीआई ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। प्रावधानों के मुताबिक करीब 67 लाख की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। कुल राशि करीब 1,65,00,000 की होगी। इस बात पर जोर है कि शहीद हुए नायक को मिलने वाली मदद अग्निवीरों सहित दिवंगत सैनिकों के परिजनों को जल्द से जल्द दी जाए। वही रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि अग्निवीरों के कल्याण के लिए सेना समर्पित है। तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी के वीडियो के एक दिन बाद ही दिवंगत अजय का परिवार अब कह रहा है कि करीब 98,00,000 की मदद केंद्र से मिल चुकी है। पैसे ही सर इतने आए हैं वहाँ से, एक तो 50,00,000 का उनका भीमे का था आईसीआई बैंक में आया, एक 48,00,000 10 जून को आया है जी, 1,00,000 का और आया कल मैसेज आया। हाँ जी यही आया जिना करोड़ का। हाँ जी हाँ जी, बाकी आर्मी में और पैसा पड़ा 60,00,000 जितना भी है वो भी आएगा, आस्था तक ना मिलेगा सारा पैसा, आस्था से मिल जाएगा वो बोल रहे हैं जी। तो पैसे का कोई इशू नहीं है, 98,00,000 जो आर्मी बोल रही है वो आपको आ चुका है, 50,00,000 इंश्योरेंस। हाँ जी हाँ जी मिल चुका जो भी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए थे, तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर देकर कहा था कि अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1,00,00,000 रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को भेजा कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया, कल यहाँ भरपूर असत्य बोला गया, संविधान की गरिमा से खिलवाड़, ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। मुआवजे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर सेना की सफाई के बाद परिजन कह रहे हैं कि अग्निवीरों को स्थायी किया जाना चाहिए। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन सवाल है कि सरकार और सेना की सफाई के बाद क्या अग्निवीर के मुद्दे पर सियासत करना जायज है, क्योंकि सियासत से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पार्टनर के सपोर्ट से सफलता के कनेक्शन की। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में देश का परचम लहरा दिया है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और मैन ऑफ द मैच चुने गए। खास बात यह है कि कोहली ने इस जीत का श्रेय अपनी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा को दिया है। कोहली ने अनुष्का के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। कोहली ने अनुष्का के लिए आगे लिखा कि तुमने मुझे विनम्र रहना और जमीन से जुड़े रहना सिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद को बेहद खुशनसीब मानता हूं कि मुझे तुम मिली। कोहली ने अनुष्का को क्रेडिट देते हुए लिखा कि ये जीत जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी। जाहिर है अनुष्का शर्मा ना तो क्रिकेटर हैं और ना ही क्रिकेट एक्सपर्ट, बावजूद इसके कोहली ने अपनी जीत का श्रेय
उन्हें क्यों दिया, इसकी बड़ी वजह एक रिसर्च से साबित होती है, जिसके मुताबिक रिश्तों की गहराई में उतरकर देखेंगे तो सफलता में पार्टनर को साझेदार बनाना जरूरी नजर आता है। साल 2018 में अमेरिका की कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें 163 शादीशुदा जोड़ों पर लंबे वक्त तक उनके रिश्ते और करियर पर नजर रखी गई। रिसर्च के नतीजों में पाया गया कि जिन लोगों के पार्टनर उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से सपोर्ट करते हैं उनके सफल होने की दर काफी ज्यादा होती है, पार्टनर चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों। रिसर्च के मुताबिक अगर पार्टनर समय समय पर दूसरे को प्रोत्साहित करता रहे तो इससे पार्टनर की जिंदगी, करियर और दोनों के रिश्ते पर काफी पॉजिटिव असर पड़ता है। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, कई दिग्गज अपनी पत्नियों को सफलता का क्रेडिट देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को देते हैं। इसी तरह से फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी अपनी तरक्की की बड़ी वजह अपनी पत्नी प्रिसिला जान के सपोर्ट को मानते हैं। पति पत्नी के बीच सपोर्टिव रिलेशन और सफलता के कनेक्शन को लेकर हमने रिलेशनशिप एक्सपर्ट और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहां आप अपने पार्टनर को उसके एफर्ट्स के लिए क्रेडिट दें, उसको हर वो कॉम्प्रोमाइज जो वो आपके लिए बिना बोले कर रहा है उस चीज के लिए अप्रिशिएट करें। आज की डेट में मोस्टली मैरिड कपल्स के करियर चॉइसेस और प्रोफेशंस अलग होते हैं। एक प्रोफेशन से ना हो के भी उस प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, उस प्रोफेशन की डिमांड समझना, बिना कंप्लेन करे अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना जो उनकी जॉब आपसे एक्सपेक्ट करती है, अपनी फैमिली को मैनेज करना, बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस में अकेले हैंडल करना क्योंकि आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं है, एक बहुत मुश्किल चीज है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए ये कर रहा है तो उसको उस चीज का ड्यू क्रेडिट जरूर देना चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप और मजबूत हो। जब भी एक इंसान ऐसा महसूस करता है कि उसके एफर्ट्स नोटिस नहीं करे जा रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं करे जा रहे हैं, तो वह डीमोटिवेट होता है, वो भी आगे से वो एफर्ट्स करने के लिए मोटिवेटेड महसूस नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैरिटल रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो हर छोटी से छोटी चीज जो आपका पार्टनर आपके लिए करता है, जो शायद हम डे टू डे में निग्लेक्ट कर जाते हैं ये समझ के कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो हमारे हस्बैंड या वाइफ हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। हर छोटी चीज जो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है आपको उसको उस चीज का ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। अनुष्का शर्मा को धन्यवाद कहा है विराट कोहली ने। दोनों की लाइफ को कैसे देखते हैं आप? देखो, हर पति के पीछे एक स्त्री का आशीर्वाद रहता है, वैसे हिसाब से उसको उसने उनको बेनिफिट दिए ले। हर जो इंडिया का छोड़ के जो पाकिस्तान के जितने भी है, जो एक्ट्रेस है, जो फैंस है, जो विराट कोहली का ही नाम लेता है, और अपना हिंदुस्तान का जो क्रिकेटर है, जो अपना मिस अपना पत्नी का नाम ले रहा है अनुष्का शर्मा का, उससे और बेहतर क्या हो सकता है सर? देखिए, दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ऐसा ही लगता है कि वो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। क्योंकि वो जो विराट कोहली सेलिब्रेट करता है, वो जब भी शतक लगाता है तभी भी वो उसकी बीवी को याद करता है और वो बहुत खुशी मनाता है। कोई जोड़ी तो अच्छी है और एक हिंदुस्तान का इतिहास है। हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक कामयाब स्त्री का हाथ रहता है, तो विराट कोहली ने अपनी धर्म पत्नी को जो श्रेय दिया है मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है। उनको उनके पत्नी ने उनका मोटिवेशन किया है। विराट और अनुष्का की जोड़ी, यानी कि ये ऐसी जोड़ी है ना, इनको देख के ऐसा लगता है कि यार काश अपना भी ऐसी जोड़ी हो। और विराट के पीछे अनुष्का शर्मा का कितना सपोर्ट है कि उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी आज किया है वो अनुष्का शर्मा को डेडिकेट करते हैं। इससे समझ में आता है कि अनुष्का शर्मा का विराट कोहली के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग और उनके करियर में कितना सपोर्ट है, ये समझ में आता है। न्यूज वक्त में आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार पहली बार 80,000 के पार बंद हुआ। कारोबार के दौरान दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आखिर में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 63 अंक उछलकर 80,050 पर पहुंचा, वहीं निफ्टी भी 16 अंकों पर चढ़ा, ये 24,302 पर पहुंच गया। आईटी, बैंक और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी बरकरार, गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 530 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,080 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 1200 रुपए की उछाल आई, अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 92,500 रुपए पर पहुंची।
लग्जरी कार निर्माता कंपनी लैंड रोवर ने भारतीय बाजार में एक नई कार पेश की। इसका नाम लैंड रोवर डिफेंडर ओक्टा है। कंपनी का दावा है कि ये कार ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए परफेक्ट है, यानी ये कार सड़क के साथ साथ एक मीटर तक गहरे पानी या पहाड़ी रास्तों पर भी आसानी से चल सकेगी। इतना ही नहीं, डिफेंडर ओक्टा महज 4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार भी पकड़ेगी। कंपनी ने भारतीय बाजार में इसकी कीमत 2,65,00,000 रुपए रखा है। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्वा को जल्दी ही भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी से 8 जुलाई को भारत में लॉन्च करेगी। इसे मर्सिडीज की सबसे सस्ती एसयूवी कहा जा रहा है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। 1,50,000 रुपए की टोकन मनी के साथ इसे बुक किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला का फोल्डेबल फोन मोटो रेजर 50 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। दिल्ली में 2 दिनों तक ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दुनिया भर से आए 100 से ज्यादा एआई एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सरकार एआई में निवेश करना चाहती है ताकि ये लोगों की भलाई के काम आ सके। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला का फोल्डेबल फोन मोटो रेजर 50 अल्ट्रा लॉन्च हो गया। हालांकि चीन समेत कई देशों में पहले ही इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। इसमें यूजर्स को सुपर जूम, कलर ऑप्टिमाइजेशन और एआई मैजिक कैनवास समेत कई फीचर मिलेंगे। इसकी कीमत करीब 90,000 रुपए रखी गई है। आईफोन यूजर्स को जल्दी गुड न्यूज मिल सकती है। दरअसल खबर है कि मेटा एआई जल्दी आईफोन और आईपैड में भी मिल सकता है। इसको लेकर मेटा और एप्पल में बातचीत जारी है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।